अन्वेषकों ने कहा केंद्र हमारा मानदेय 17,000 कर चुकी है, लेकिन राज्य सरकार अभी तक नहीं दिए तो 9,000। खबर के साथ शुरू करते हैं आज का ये पूरा वीडियो। नमस्कार साथियों, देश प्रदेश के समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। प्रस्तुत है आज का वैश्विक शिक्षा उत्तर प्रदेश समाज। यहाँ पर एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। हर तरफ हिंदुस्तान से लेकर अमर उजाला, दैनिक जागरण, सभी टीवी चैनल्स और मीडिया के बड़े चैनल, आज तक सभी चैनलों की न्यूज़ हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। दर्शकों ने किया मानदेय वृद्धि घोषणा का विरोध। ये लखनऊ से संवाद न्यूज एजेंसी के माध्यम से छपी है इस खबर। और अन्वेषकों के मानदेय में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी करने की मुख्यमंत्री की घोषणा का अन्वेषकों ने विरोध किया है। उच्च प्राथमिक अन्वेषक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष तेजस्वी शुक्ला ने घोषणा की सरकार का दिखावा करार दिया है। कहा, पहले सरकार ने अन्वेषकों के मानदेय में 1470 रुपये की कटौती कर ली, अब जब चुनाव नज़दीक है तो 2,000 रुपये का लालीपॉल देकर वो रिझाना चाहती है। यहाँ पर बताना चाहें, केंद्र ने अन्वेषकों की व्यवस्था ख़त्म कर दी है, इसलिए अन्वेषकों की सारी व्यवस्था का भार राज्य सरकार खुद उठा रही है। आप देख सकते हो किस तरीके की ये खबर छपी हुई है, और जिसे मंच से कहा गया था कि अन्वेषकों की सारी व्यवस्था राज्य सरकार देख रही है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की RTE एक्ट 2009 के तहत राइट टू एजुकेशन के तहत ये भर्ती हुई है, और इसका वहन केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर करना होता है। तो आप देख सकते हो किस तरीके की अफवाहें, किस तरीके का झूठ अन्वेषकों के, शिक्षकों के, इनके भविष्य के साथ किया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है। एक और पेपर कटिंग है, ये आप देखना चाहेंगे, अमेठी से है। नए साल के आगमन के 2 दिन पहले सरकार की ओर से अन्वेषक और रसोइयों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा बुधवार को वैश्विक शिक्षा विभाग के कर्मियों के बीच दिन भर चर्चा में रहा। ये मुद्दा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से लखनऊ के अटल कन्वेंशन सेंटर में ये घोषणा की गई, अल्प मानदेय वृद्धि से अन्वेषक नाखुश। देख सकते हो यहाँ पर राकेश पटेल जी हैं और वो कह रहे हैं, सम्मानजनक वृद्धि ना होने से अन्वेषकों ने जताया है दुख। साथियों, यहाँ पर ये महाराजगंज से समाचार आ रहा है, समाचार पत्र के माध्यम से। यहाँ पर एक बड़ा रोष व्याप्त है समस्त अन्वेषकों में। अब हम दिखाते हैं वो सबसे बड़ी खबर जिसे आज तक ने, चुनाव आते ही जनता को सौगात देने के पिटारे भी खुलने लगते हैं, और ऐसा ही आज उत्तर प्रदेश में हुआ। 8वीं तक के स्कूलों में पढ़ाने वाले हजारों अनुदेशकों और सरकारी स्कूलों के मिड डे मील का खाना बनाकर बच्चों को खिलाने वाली लाखों रसोइयों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान मुख्यमंत्री ने कर दिया। लेकिन दस्तक देता प्रश्न हमारा ये है कि मानदेय चुनाव देख बढ़ाया है, या 5 साल में कर्मचारियों को समय से देना भी जरूरी है? चुनाव की तारीखें ऐलान होने का समय जैसे जैसे नजदीक आता है, उत्तर प्रदेश में विकास योजनाओं का फीता काटने, रिमोट दबाने, पर्दा खोलने की रफ्तार तेज होती जा रही है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अब तक 2.5 महीने के भीतर 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का या तो शिलान्यास कर चुके हैं या फिर लोकार्पण। चुनावी इश्क में जनता से मोहब्बत का सबूत इस बार वर्षों से अपनी मेहनत के मानदेय के लिए लड़ते आ रहे बेसिक शिक्षा के स्कूलों में पढ़ाते अनुदेशक और रसोइया को मिला। 8वीं कक्षा तक के स्कूलों में 27,546 अनुदेशक उत्तर प्रदेश में पढ़ाते हैं। कला, शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर जैसे विषय इन्हें पढ़ाने होते हैं। यूपी के ऐसे हजारों अनुदेशकों का मानदेय 2,000 रुपए प्रति महीने बढ़ाने का ऐलान किया गया। जो यहाँ पर मेरे पास प्रस्ताव आया था, उस प्रस्ताव में कुछ और बढ़ोतरी करते हुए हर अंशकालिक अनुदेशक को जो निर्धारित मानदेय है, इसमें प्रतिमाह हम लोग 2,000 रुपए अतिरिक्त वृद्धि उन लोगों के लिए कर रहे हैं, जिससे उनके मानदेय को हम एक सम्मानजनक स्थिति में आगे बढ़ाने का कार्य कर पाएंगे। ऐलान के मुताबिक 7,000 रुपए की जगह 2,000 रुपए बढ़कर 9,000 रुपए महीने का मानदेय यूपी के अनुदेशक पाएंगे।
तो फिर इस दूसरी तस्वीर को देखकर याद करिए, जब चार साल पहले इन्हीं अनुदेशकों का मानदेय 17,000 रुपए कर देने का ऐलान करते हुए उत्तर प्रदेश बीजेपी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, तो सवाल है कि फिर अनुदेशकों का पैसा अभी बढ़ाया गया है कि घटाया गया। अब इसका जवाब समझिए, अनुदेशक वो शिक्षक हैं जिन्हें राइट टू एजुकेशन योजना के तहत संविदा पर स्कूलों में शामिल किया गया है। यूपी में संविदा पर रखे गए अनुदेशकों का मानदेय 60% केंद्र और 40% राज्य देता था। 2016-17 में इनका मानदेय बढ़ाकर दावा है कि 8,470 रुपए कर दिया गया था। दावा है कि इसके बाद 2017 में उसे घटाकर वापस 7,000 रुपए किया गया। फिर 2017 में ही केंद्र से प्रस्ताव पास होने पर 17,000 रुपए किए जाने का दावा किया गया, लेकिन पिछले 4 साल में कभी भी प्रस्ताव के तहत 17,000 रुपए हर महीने नहीं दिए गए। दावा है कि इसका कारण केंद्र की तरफ से पूरी मदद न मिलना है। यही कारण है कि जिन अनुदेशकों को 4 साल पहले 17,000 रुपए महीने देने का ऐलान हुआ, उन्हें 4 साल बाद भी 9,000 रुपए महीने के देकर सौगात बताया जाता है। अब दूसरी कहानी उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाली रसोईया, जिनकी संख्या करीब 3,78,000। ये उत्तर प्रदेश में 18 लाख बच्चों को खाना बनाकर स्कूल में खिलाती। इन्हीं रसोईया का मानदेय 500 रुपए महीना बढ़ाने की बात कही गई। रसोईया जितने भी हैं, उनको वर्ष में 2 साड़ी बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से इनको उपलब्ध करवाएंगे। एप्रन और हेड कैप का पैसा सीधे रसोइयों के खाते में देने की व्यवस्था परिषद करेगा। रसोइयों से हर एक रसोइया का खाता खुलवाएंगे। चुनाव नजदीक आने पर इन रसोइया का मानदेय तो 500 रुपए बढ़ा दिया, 2 साड़ी भी साल में देने की बात कही। लेकिन इस सच्चाई को क्या दरकिनार किया जाएगा कि इसी साल ये लाखों रसोइया अपना 1,500 रुपए का मानदेय पाने के लिए 6 से 8 महीने तक तरसाए गए। तो जरूरी ये नहीं है कि सिर्फ मानदेय बढ़ाया जाए, जरूरी ये भी है कि मानदेय सही समय पर हर कर्मचारी को मिले। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ आज तक।